चलिए क्वेश्चन नंबर 8th में ये आपको ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और रिलेशन ये है ए माइनस बी इज इवन, ठीक है जी। तो ये है ए माइनस बी इज इवन। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमको इसमें डिस्कस करना है। तो आप ले लो फॉर ए ए रिफ्लेक्सिव के लिए, जिसने कर रखा है एक बार फिर से कर लीजिएगा साथ साथ। फॉर ए ए आएगा ए माइनस ए विच इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो को हम इवन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, विच इज़ इवन, विच इज़ इवन। देयरफॉर ए ए बिलोंग्स टू आर एंड आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। फिर सिमेट्रिक के लिए लेट हमने बोला लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो अगर ये इवन है तो इसका मतलब अगर मैं इसका रिवर्स कर दूंगा बी माइनस ए तो ये भी इवन होगा। दिस इज ऑल्सो इवन। तो दिस मीन्स हम बोलेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर एंड आर इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। फिर ट्रांजिटिव ले लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे हो जाएगा ए माइनस बी इज इवन। तो जो भी इवन नंबर होता है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ टू होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी इज प्लस माइनस टू लैम्डा मल्टीपल ऑफ टू। और ऐसे ही बी माइनस सी हमने बोला वो भी इवन होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ए बी और बी सी रिलेशन में है। तो दिस इज़ ऑल्सो इवन। तो अगेन आप मॉड हटाइए, तो मॉड हटाएंगे तो बी माइनस सी, बी माइनस यहाँ पर सी आएगा, बी माइनस सी इज इवन है तो मल्टीपल ऑफ टू अगेन। तो टू म्यू ले लिया इस बार हमने, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। अगर हम ऐड कर दें 1 + 2, तो 1 + 2 करने से क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये आ गया प्लस माइनस 2, आप कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। तो बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी आ गया प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। अगेन दिस इज इवन। तो देयरफॉर ए सी belongs to R, ये बन जाएगा एंड R is transitive, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन में सिर्फ ट्रांजिटिव के केस में मॉड हटाना है, तो एक बार प्लस माइनस 2 लैम्डा आएगा, एक बार प्लस माइनस 2 म्यू आएगा, फिर दोनों को ऐड करके आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 8 का एक पार्ट। फिर आगे इसने क्वेश्चन ने बोला है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 और एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो रिलेटेड टू ईच अदर मतलब इनका डिफरेंस इवन आना चाहिए। रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि उनका डिफरेंस इवन है। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ ये सेट ले लें 1 3 5, ये क्या है, इस सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है जी, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इवन। देयरफॉर देयर डिफरेंस is always even। ऐसे ही 2 4 है,
क्योंकि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा ही इवन आता है। 1 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 1 और 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 3 और 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो हमेशा ही इवन नंबर आता है। और ये क्या है, दिस इज सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो देयर फॉर देयर डिफरेंस इज इवन, देयर डिफरेंस इज इवन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। बट फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस, आगे ये है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम आगे ये बोलेंगे बट 1 3 5 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड, आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों नहीं रिलेटेड है, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो ऑड और इवन का जो डिफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी ऑड एज देयर डिफरेंस इज ऑलवेज ऑड। बस ये इसका आंसर है, इसलिए वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। चलो अब चल रहे हैं वापस से फंक्शंस पे, एक बार फिर से हम लोग फंक्शंस कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस लेने से पहले लास्ट क्लास में हमने 1 1 डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। 1 1 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो 1 1 में क्या होता है, 1 1 में हमने बताया था रे डायग्राम से, ये मान लीजिए ए है 1 2 3 और ये मान लीजिए बी है 4 5 और 6। तो ए के लिए इमेज है 4, 1 के लिए इमेज 4 है, 2 के लिए इमेज हो गई 5, 3 के लिए इमेज हो गई 6। तो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 इमेज है, तो ये केस है 1 1 का, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, एक हमने बोला एवरी एलिमेंट इन ए हैज एग्जैक्टली 1 इमेज इन बी, तो इसलिए 1 1 है, ठीक है। दूसरा 1 1 में क्या होता है, दूसरा 1 1 में होता है कि हम ऐसे बोलते हैं इफ fx1 इक्वल है fx2 के, तो देन x1 विल बी इक्वल टू x2, ये दूसरा तरीका है। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से, अच्छा चलो ठीक है क्वेश्चन से समझो, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला फंक्शन इज ऑन ए टू बी वेयर ए हम लिख लेते हैं, ए हमने बोला ए है से 1 2 3 और बी है 4 5 6, और मैं कहता हूँ कि फाइंड करिए फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, कि कितने 1 1 फंक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ए के 3 एलिमेंट हैं, बी के भी 3 एलिमेंट हैं,
दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो वन वन के लिए हमने क्या बोला, वन वन के लिए हमने बोला यहाँ पर ए लिखा 1 2 3 ए, दिस इज कोडोमेन, दिस इज डोमेन, ये डोमेन कहलाता है, और यहाँ पर मैंने लिखा बी, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6। तो वन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या रेंज पॉसिबल है वन के लिए, इन तीनों में से कोई भी एक रेंज हो सकता है। तो यानी एलिमेंट वन के लिए ऐसे बोल सकते हैं हम, एलिमेंट वन हैज़ कितने चॉइसेस, 3 चॉइस, ठीक है जी, 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है। तो मान लीजिए वन के लिए इमेज हमने बोली 4 है, ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक इमेज हो सकती थी, इसलिए हमने बोला 3 चॉइस पॉसिबल है। ऐसी एलिमेंट टू के लिए अब कितनी चॉइस बच गई मेरे पास, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, तो इसके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस हो गई। ऐसी एलिमेंट थ्री के लिए अब 2 चॉइस है, तो मान लीजिए मैंने 2 के लिए इमेज बोल दिया 5 है, एक हमने चूज़ कर लिया, इन दो में से कोई भी एक हमने चूज़ कर लिया, तो 3 के लिए कितनी चॉइस है, 3 के लिए अब सिर्फ एक ही चॉइस बचा, ठीक है। तो टोटल 1 1 कितने पॉसिबल है, टोटल 1 1 फंक्शंस कितने हो सकते हैं, दैट विल बी 3 2 1 यानी कि 6, ठीक है जी। तो इन जनरल यहाँ से हमने एक नोट बोला, क्या इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के इक्वल हैं, और इक्वल हैं मान लीजिए एन के इक्वल है, दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, जैसे इस केस में 3 एलिमेंट इसके थे और इक्वल थे, तो टोटल वन वन फंक्शंस हमारे कितने बनेंगे, वो होंगे n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर क्या आया, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन आपसे कुछ भी कह सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि a के 5 एलिमेंट है, b के भी 5 एलिमेंट है, तो बताओ कितने 1 1 फंक्शंस होंगे, तो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है जी सभी को। वैष्णवी क्लियर है, आरुषि, अपूर्वा, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, नोट लिख लिया, यस सर, चलो ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ, अब अगर मैंने बोला कि फंक्शन है ए से बी, और ए के मेरे पास 2 एलिमेंट है 1 2, और बी के मेरे पास 3 एलिमेंट है 4 5 और 6, तो अब मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस अब बताओ कितने होंगे, 1 1 फंक्शंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से देखो, यहाँ पर मेरे पास 2 एलिमेंट है 1 और 2, यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट हैं 4 5 और 6, तो इस एलिमेंट के लिए मेरे पास 3 चॉइस है, यहाँ पर 4 5 6 में से कोई भी एक हो सकता है, तो इसके लिए नंबर ऑफ चॉइस अगर लिखेंगे तो 3 चॉइस है, ठीक है, और इसके लिए चॉइस लिखेंगे तो कितनी है, 2, तो इस बार कितना आ गया, अगेन टोटल 1 1 फंक्शंस, टोटल 1 1 फंक्शंस कितने हो गए, इट इज़ अगेन 3 × 2 दैट इज 6, ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे भी हम एक नोट लिखते हैं, इफ एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी,
ए टू बी का मतलब ए डोमेन है और बी को डोमेन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के हमने बोला मान लेते हैं एम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के हमने बोला एन है, वेयर एन जो है बड़ा है एम से। ध्यान रखना कि जो कोडोमेन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कोडोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो टोटल वन वन कितने बनेंगे, टोटल वन वन फंक्शंस, टोटल वन वन फंक्शंस जो होंगे दैट विल बी एन पी एम। पी का मतलब कॉम्यूटेशन, एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो होगा दैट विल बी एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एम फैक्टोरियल, इतने होंगे। जैसे इस केस में हम बोलेंगे तो हमारे पास तीन एलिमेंट हैं कोडोमेन के, 3p2, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हमने बोल दिया, तो आंसर आया 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान रखना, ये एक नोट हो गया। ये क्या है जब अनइक्वल है, एक तो हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा जब इक्वल है तो जितने हैं उतने फैक्टोरियल लगा दो सिंपल, और जब इक्वल हैं तो कोडोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ऊपर हमेशा जो बड़ा होता है उसको ले जाएगा एन पी एम। तो इसका हमने कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला ओपन कर दिया। और अगर मैंने बोला इफ़ एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी, फिर से ये बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के में हमने बोले एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के हमने बोला एन है, और इस बार हमारे पास एन छोटा है एम से, यानी कोडोमेन के एलिमेंट्स कम हैं, तो उस केस में टोटल वन वन फंक्शंस हमारे, टोटल वन वन फंक्शंस इस केस में हम बोलेंगे ज़ीरो होंगे, कोई भी वन वन नहीं बन पाएंगे। क्यों, अभी एग्जांपल से समझा देता हूँ। ध्यान रखना एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पर 1 2 3 हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया 4 और 5 है, तो ऑब्वियसली इसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर 1 के लिए मुझे इमेज लेनी है, सपोज़ मैंने 1 की इमेज 4 ले ली, 2 की इमेज मेरी 2 की इमेज हो गई 5, हर एक एलिमेंट के सिर्फ एक इमेज होगी, 2 की 5 हो गई। अब 3 की इमेज लेने के लिए यहाँ कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, दिस इज़ नॉट वन वन, ये वन वन हो ही नहीं सकता। तो जब भी डोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और कोडोमेन के एलिमेंट्स कम हैं तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आपके ज़ीरो बनेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है जी। लिख लिया आप लोगों ने, कंफर्म करिए, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू का मतलब हो गया सर्जेक्टिव, दोनों का एक ही मतलब है। अब अगर कभी रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए, अगर इफ़ रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं तो एफ इज़ कॉल्ड ऑन टू, तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल हैं तो ऑन टू कहलाएगा। अब जैसे कि हम ये ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इसको समझो 1 2 3 और ये हो गया 4 5, तो 1 के लिए इमेज ये है, 2 के लिए भी इमेज यही है,
हिस्ट्री के लिए में जिए हैं। तो जहाँ पे एरो जा रहे हैं ये क्या है, दिस इज कोडोमेन। तो जहाँ पे एरो जा रहे हैं वो रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या है मेरा, यहाँ पर रेंज है मेरे पास 4 और 5, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी मेरे पास 4 और 5 है, तो दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल है। तो ये ऑन टू का एग्जांपल हो गया, ठीक है जी। अगर हम ऐसे बोल देते हैं, मान लीजिए ये है 1 2 और ये है 4 5 6, तो 1 के लिए इमेज हो गई 4, 2 के लिए इमेज हो गई 5। तो रेंज क्या है इस बार, रेंज जहाँ पे एरो जा रहे हैं 4 और 5, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है मेरे पास 4 5 6, तो दोनों इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसलिए नॉट ऑन टू, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लेते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने सबने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन ये दे रखा है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास 1 ओवर x। तो 1 1 के लिए हमने क्या बोला, एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2 अगर लें तो ये आ गया 1 ओवर x1 इक्वल्स टू 1 ओवर x2। तो रिजल्ट क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू x2, तो एफ तो 1 1 हो गया, ठीक है जी, सिंपल। ऑन टू की हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन ने यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर यहाँ पे नीचे स्टार लगा हुआ है और आगे उसने डिफाइन किया है कि आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी नॉन ज़ीरो हैं। आर क्या है, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ करके, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी रेंज अगर निकालें कोडोमेन डिस्कस करने के लिए, तो रेंज के लिए हम क्या कहते हैं, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ऐसे हो गया। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, 1 बाई वाई, तो वाई का वैल्यू ही रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वाई कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो आने से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में नॉट डिफाइंड, ज़ीरो आने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि रेंज कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, तो इसका मतलब रेंज क्या है, रेंज है वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रेंज क्या है वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो। तो एक्सेप्ट ज़ीरो यानी यही आ गया आर स्टार जो उसने बताया। तो रेंज और कोडोमेन दोनों ही इस केस में इक्वल हो गए, रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी डालूँगा तो वाई मेरा डिफाइंड आएगा, एक्स मेरा कोई भी रियल नंबर हम डालते जाएँ ज़ीरो के अलावा तो वाई हमेशा डिफाइंड आता जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है, बस वाई मेरा ज़ीरो नहीं आ सकता क्योंकि y के ज़ीरो होने से x ही मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, रेंज कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये ऑन टू हो गया, एफ इज ऑन टू। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला है कि इफ़ डोमेन, ये इस डोमेन को हम रिप्लेस कर देते हैं नेचुरल नंबर से, यानी अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, अब मेरा फंक्शन हो गया, अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ फंक्शन हो गया 1 बाई एक्स
एंड एफ इज फ्रॉम नेचुरल नंबर से लेकर के आर स्टार, ये हो गया। अब वन वन के लिए तो ये ऐसे ही चलेगा, सेम वन वन के लिए सेम, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो वन वन तो ये है, ऑन टू की हम बात करते हैं, वन वन तो ये सेम है। ऑन टू के लिए अब आप देखो, फॉर ऑन टू, ऑन टू में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने बोला वाई है हमारे पास वन बाई एक्स, ठीक है जी, और एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है नेचुरल नंबर, एक्स का मतलब डोमेन होता है, एक्स क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, वन टू थ्री फोर सो ऑन, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर में। तो वाई क्या है, वन बाई एक्स, तो जब मैं इसका वन बाई एक्स करूँगा तो वन बाई एक्स क्या आएगा, वन बाई एक्स इसका रेसिप्रोकल, वन बाई टू वन बाई थ्री सो ऑन। अब आप इस सेट के अंदर देखो, ये जो सेट है, इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर यानी जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, उसमें नेगेटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव इसमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, इसके अंदर अंडर रूट भी आ रहे हैं तो इसमें अंडर रूट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा रेंज है। वन बाई एक्स का मतलब क्या है, वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू तो वन बाई एक्स है, तो वाई का जो वैल्यू है वो मेरा रेंज है, तो यही मेरा रेंज है, तो ये रेंज इसके इक्वल नहीं है, रियल नंबर के इक्वल नहीं, उसका पार्ट है, पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, हमने बताया था माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होता है, और यहाँ पर इसने बोला है कि ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी, तो ज़ीरो को छोड़ के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा होना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू दिस, यानी फाइनली वी कैन से कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू, बस खत्म। ठीक है जी, आ गया सभी को समझ, अपूर्वा आ गया समझ में, आरुषि वैष्णवी। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, सेकंड में आपको बोला नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो फिर से एफ एक्स हमारा हो गया, आप वन वन बनाओ, बताओ जरा वन वन आएगा कि नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर है तो वन वन आप लोग ट्राई करो पहले, और बताओ वन वन आएगा कि नहीं आएगा। एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू ले लो, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे, मैंने कहा था प्लस माइनस लगेगा, एक ही आएगा, एंड ये नॉट पॉसिबल है नेगेटिव वाला, क्यों नॉट पॉसिबल है बताओ जी, कौन बताएगा नॉट पॉसिबल क्यों है, हाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में डोमेन है, तो इसलिए एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एफ इज़ वन वन। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसके बाद रेंज की बात करेंगे, तो वाई हमने मान लिया एक्स स्क्वायर है, तो फिर से एक्स मेरा क्या है, एक्स है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, वन टू थ्री सो ऑन, ये सब चलेगा। तो एक्स का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर मेरे पास आएगा वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो ऑन। तो वन और फोर के बीच में टू और थ्री यहाँ मिसिंग है, फोर और नाइन के बीच में फाइव सिक्स सेवन एट मिसिंग है, नेचुरल नंबर। अब इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इसको कंपेयर कर रहा हूँ नेचुरल नंबर के साथ, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है सभी को। तो वाई एक्स स्क्वायर यानी ये वाई का वैल्यू है, तो यानी रेंज जो है मेरा, रेंज मेरा इक्वल नहीं है कोडोमेन के, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर्स मिसिंग है, फोर और नाइन के बीच में फाइव सिक्स सेवन एट मिसिंग है, नाइन और सिक्सटीन के बीच में टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मिसिंग है, सो ऑन।
तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू, ठीक है जी। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इंटीजर्स ले लिया उसने इस बार। अब सेकंड पार्ट में इंटीजर्स लेने की वजह से ये पॉसिबल है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है जी। तो वन वन नहीं होगा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या बोलेंगे, एक्स वन स्क्वायर सीधा मैं कर रहा हूँ, एक्स टू स्क्वायर, ये स्टेप तो सेम आएगा, ये स्टेप लिखा मैंने। तो यहाँ से एक्स वन इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू आएगा, तो नॉट वन वन हो गया, क्योंकि इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव भी पॉसिबल है। फिर रेंज की बात करते हैं, ऐसे लिखा पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x क्या है, x से इंटीजर्स, और इंटीजर्स आप सेट लिख लो क्या होता है इंटीजर्स, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। तो जब मैं स्पैन का स्क्वायर करूँगा तो y क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा ज़ीरो मिलेगा, फिर वन, फिर फोर, फिर नाइन, सो ऑन। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जो मिसिंग हैं, एक और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं, एक भी नंबर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, हमेशा ही पॉजिटिव है। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, क्योंकि इसने कोडोमेन बोला इंटीजर्स है। तो अगेन हम बोलेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसलिए दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है जी। आ रहा है समझ में। सेम विद दिस केस ऑल्सो, यहाँ पर क्या रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो ये वाला तो सेम चलेगा थर्ड पार्ट में, सेम इसी को हम कॉपी कर लें, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए यही आपका आ जाएगा, सेम के सेम यहाँ पर, ठीक है। तो वन वन नहीं है क्योंकि प्लस माइनस पॉसिबल है। अब हम ऑन टू डिस्कस करें तो एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर है, ऑन टू के लिए हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर है। तो आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो से बड़ी आएगी हमेशा ही। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा हमेशा ही ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो स्क्वायर वाले में हमेशा ध्यान रखना, जब रियल नंबर है तब आप ये बोलेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी। कभी नेचुरल नंबर के लिए भी आप कहें कि भाई एक्स स्क्वायर बोला था तो ज़ीरो से इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर में नहीं चलेगा, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में नहीं चलेगा ज़ीरो से इन्फिनिटी। इंटरवल हमेशा रियल नंबर के केस में बनेंगे, ये इंटरवल होते हैं, ठीक है। कभी इंटरवल मत बना देना जहाँ पे इंटीजर दे रखे हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे सेट बनता है। जैसे हमने ये सेट बनाया है, ये सेट बनता है हमेशा इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स में, हमेशा ही सेट बनता है। और जब भी रियल नंबर बोलेगा तो वहाँ पे आप एक इंटरवल बनाते हैं। तो रेंज क्या है, ज़ीरो से इन्फिनिटी है, ये रियल नंबर के इक्वल नहीं है क्योंकि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसलिए नॉट ऑन टू, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब और नेचुरल नंबर्स हैं, तो वन वन बोलो होगा कि नहीं होगा, एफ एक्स इज एक्स क्यूब, हाँ वन वन होगा क्योंकि एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब है तो चाहे नेचुरल नंबर बोलो चाहे कुछ भी बोलो तो वन वन तो होगा ही होगा, एफ इज फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, तो ऐसे लग जाएगा एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब, तो एक्स वन इक्वल हो गया एक्स टू के, तो एफ इज वन वन, वन वन तो हो गया जी, ठीक है। ऑन टू, ऑन टू बोलो जी होगा क्या, एक्स क्या है, हाँ एक्स क्या है, नेचुरल नंबर्स यानी वन टू थ्री में से कुछ भी हो सकता है। तो अब इनका क्यूब कर लेंगे तो बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, वन टू का क्यूब एट हो गया,
27 हो गया। अब ऐसे ही 1 और 8 के बीच में काफ़ी सारे नंबर छूट गए, 8 और 27 के बीच में काफ़ी सारे नंबर छूट गए, तो वी कैन से कि रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट ऑन टू। 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट इंटीजर्स है, तो उसमें ये वाला तो सेम रहेगा, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के लिए इतना तो सेम रहेगा, और इंटीजर्स हैं तो उसमें आपके पास नेगेटिव तो आ जाएंगे लेकिन नंबर छूट जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में 1 1 सेम है ये, ठीक है 1 1 सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर्स है तो यहाँ तो क्यूब है, क्यूब हटने से प्लस माइनस तो आता नहीं है। तो रेंज की बात करें तो x बिलोंग्स टू हमने बोला इंटीजर्स, तो इंटीजर्स फिर से लिख लिया -3, ध्यान देना इंटीजर्स है इसलिए हम सेट बना रहे हैं, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ये सारे इंटीजर्स हैं, तो अब इनका क्यूब कर लो, तो क्यूब करने से क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब फिर से 8, 3 का क्यूब 27, सो ऑन। तो अब बोलो ज़रा क्या ये ऑन टू है या नहीं, बोलो जी। ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर से आप चेक करो 1 और 8 के केस बीच में बहुत सारे नंबर्स छूट गए जो कि इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, तो इसलिए हम बोलेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो एफ इज नॉट ऑन टू, खत्म हो गया जी, सभी का डन हो गया। फिफ्थ सेकंड क्वेश्चन तो हमारा पूरा डन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, थर्ड क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, मैं एक बार याद दिला दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जैसे 1.5, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5, तो 1.5 इज़ बिटवीन 1 एंड 2, तो जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बोलते हैं तो जो छोटा वाला है 1 आ जाता है, ठीक है जी। अब आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो मुझे बताना है कि ये न तो 1 1 है न ऑन टू है, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये डोमेन है ये कोडोमेन है। तो अगर मैं x को सपोज़ मैं कहता हूँ कि x1 मेरे पास 1.5 है, तो f ऑफ x1 क्या आएगा, दैट विल बी 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ऐसे ही x2 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज़ मैंने बोला x2 1.6 है, ठीक है, तो 1.6 फिर से बताओ क्या 1.6 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है, बोलो जी। 1.6 फिर से 1 और 2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या आएगी, fx2 की वैल्यू भी फिर से 1 ही आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6, तो इसकी वैल्यू भी मेरी 1 आ गई, तो दोनों इक्वल है, तो यानी fx1 और fx2 तो इक्वल हैं बट x1 और x2 इक्वल नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है जी, क्लियर है, आ रहा है सभी को समझ। फिर हम बात करते हैं ऑन टू की, तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी रेंज हमेशा आप याद रखना कि इसकी रेंज हमेशा ही इंटीजर्स आती है, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज आएगा इंटीजर्स, ठीक है, और कोडोमेन क्या, रियल नंबर, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि आपने देख ही लिया जैसे 1.5 डाला तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया, तो हमेशा जो भी इसका रेंज आएगा वो इंटीजर्स ही आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा -1 -2 लाइक दिस, ऐसे आ सकता है,
डेसिमल्स कभी नहीं आएंगे इसमें, तो इसलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो नॉट ऑन टू हो गया। ठीक है जी, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिफ्थ भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो ज़रा, सिक्स और सेवेंथ। सिक्स्थ में हमको क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए है 1 2 3, अब इसमें आपको ये है 1 2 3, बी है 4 5 6 7, तो ये एफ है हमारे पास, और मुझे बताना है कि ये 1 1 है। तो अब आप ये देखो, ऐसे डायग्राम बना लो, रे डायग्राम, 1 2 3, और ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी लिख लो यहाँ पे 4 5 6 और 7। तो 1 के लिए क्या इमेज है, 1 के लिए 4 है, 2 के लिए इमेज क्या है, 5 है, 2 के लिए इमेज 5 हो गई, 3 के लिए इमेज क्या हो गई, 6 हो गई। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ए है, इन हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज है। ठीक है, तो दिस इज़ 1 1, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1। रीज़न क्या देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट इन ए, एवरी एलिमेंट इन ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज, एग्जैक्टली वन इमेज इन बी, इसलिए 1 1। ठीक है जी, और एक बात, अच्छा ऑन टू अगर इसमें पूछेगा तो बताओ, आप में से कोई बता सकता है क्या ये ऑन टू है, वैसे पूछा नहीं है लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले तो बोलो जी क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए अलग से हम बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास 4 5 6, ये रेंज है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है 4 5 6 और 7, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है जी, ऐसे पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन ये बोला कि ए, फिर से हमने बोला 1 2 3 है, और बी मैंने बोला 4 5 6 7 ये है, और मैं कहता हूँ ये बताइए 1 4 2 5 2 5, एक मिनट आप लोग होल्ड करना मेरा, ठीक है 2 5 और 3 6, और साथ में 1 7 मैंने बोल दिया। ठीक है जी, तो अब मुझे बताना है कि एग्जामिन एफ, ये एफ बोल दिया, एफ इज़ ए फंक्शन और नॉट, ए फंक्शन और नॉट।
तो फंक्शन है या नहीं है ये मुझे बताना। तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि फंक्शन तभी होता है जब डोमेन के लिए सिर्फ एक रेंज आए। मतलब डोमेन अगर x की एक वैल्यू है उसके लिए एक रेंज यहाँ पर आ रही है 4, और यहाँ पर x की वैल्यू के लिए रेंज आ रही है 7, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही एलिमेंट की दो रेंज आ जाए। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन सिंस एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस। दो इमेजेस हैं, क्या क्या, 4 और 7, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना? ये हो सकता है कि जैसे मैं बोलूं कि ऐसे बोल दिया, एक और एग्जांपल ले लिया, ए वही है 1 2 3 और बी बोल दिया 4 5 6 और 7, तो और एफ मैंने बोला 1 4 2 4 3 4, ये मैंने बोल दिया एफ, तो क्या ये 1 1 है, 1 1 पूछ रहा हूँ, क्या ये फंक्शन है? तो इट इज़ ए फंक्शन। हर एक एलिमेंट, मतलब आगे डोमेन रिपीट नहीं हो रहा कहीं पर भी, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1 और 1 दो जगह रिपीट हो रहा है, तो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, पीछे रेंज रिपीट हो सकता है। ठीक है? तो हम बोलेंगे आंसर, हम क्या बोलेंगे, इट इज़ फंक्शन, इट इज फंक्शन सिंस एवरी एलिमेंट इन ए हैज एग्जैक्टली 1 इमेज, 1 इमेज इन बी, सबकी एक ही इमेज, एक एक इमेज है। ठीक है? बस ये आप ध्यान रखना कि आगे डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर डोमेन रिपीट हो रहा है तो वो रिलेशन कहलाता है, फंक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है जी, लिख लिया सभी ने? अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स आपको दे रहा है 3 माइनस 4 एक्स, तो डोमेन क्या है, रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो पहले एफ एक्स 1 इक्वल्स टू FX2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4X1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4X2, तो 3 से 3 कट जाएगा, बच गया -4X1 इक्वल्स टू -4X2, तो यहाँ से रिजल्ट आया X1 इक्वल्स टू X2, -4 से -4 कट गया, तो एफ इज़ 1 1। ठीक है? तो ऑन टू की बात करेंगे तो अब देखो हमें f क्या दिया था, हमें दे रखा था f रियल से रियल है, तो रियल से रियल का मतलब क्या है, x मेरा जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो x मेरा रियल नंबर है, तो अब मैं इसमें किसी भी रियल नंबर में कोई भी नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो रियल ही रहता है, तो मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ -4, तो ये क्या होगा, ये भी रियल होगा। अब मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ तो भी ये रियल होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, यही मेरा फंक्शन है, तो इसका मतलब फंक्शन मेरा जो है क्या है, रियल नंबर है, फंक्शन रियल नंबर है, फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो रियल नंबर आएगी, क्योंकि एक्स हमने बोला रियल नंबर है, तो -4 मल्टीप्लाई किया तो ये भी रियल नंबर आएगा, 3 हमने ऐड किया तो वो भी रियल नंबर आएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, फंक्शन बन गया, तो फंक्शन भी रियल नंबर है, इसका मतलब आई विल से कि रेंज मेरा क्या है, रेंज इज रियल नंबर और वही मेरा कोडोमेन है। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यानी नोट के तौर पर आप इसको ऐसे रख लीजिए कि अगर फंक्शन मेरे पास लीनियर है,
लीनियर यानी ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट में है और एफ इज़ फ्रॉम रियल टू रियल, तो रेंज के लिए आप हमेशा ऐसे करिए, बेस्ट वे आउट होगा कि आप ऐसे करिए, ठीक है। कब? जब भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। और फिर सेकंड पार्ट है वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड एफ इज़ फ्रॉम रियल टू रियल। तो इस केस में आप बोलिए एफ एक्स वन इक्वल्स टू, हमने बोला एफ एक्स टू है तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स वन स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रखा है तो हमको मालूम है जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो ये हो गया एक्स टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वन इज प्लस माइनस एक्स टू। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एफ इज नॉट वन वन, क्योंकि प्लस माइनस रियल नंबर में तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, तो आंसर विल बी नॉट वन वन। और जब भी ऐसे आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है तो उसमें आप शुरू कैसे करेंगे? ऑन टू के लिए यहाँ से शुरू करेंगे कि एक्स स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर से शुरू करेंगे। कब? जब भी क्वाड्रेटिक होगा, तो एक्स स्क्वायर जब भी पॉजिटिव है हमेशा ही ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इसमें वन ऐड कर दीजिए दोनों तरफ तो ये हमेशा ही वन से बड़ा होगा। तो इसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो गया वन से बड़ा है यानी वन से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल है, लेकिन ये मेरा कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रियल नंबर के इक्वल नहीं है, इसमें नेगेटिव टर्म छूट गई। तो हम बोल सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू, तो ये क्या केस था? क्वाड्रेटिक का नोट के तौर पे आप लिख लें, एफ एक्स अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो उसके लिए रेंज आपने ऐसे डिस्कस करना है, ठीक है जी।